तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं पुरुलिया सिकारे न्यू ट्रेंडिंग सैड सॉन्ग में बहुत ही सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ न्यू स्टाइल के साथ। तो दोस्तों प्रीव्यू में तो पहले देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों आप भी इस टाइप का स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो PNG फोटो जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोटो यूज करने वाला हूँ वो सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद देखो ये जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बिटमार्क को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है इसको ओपन करना होगा। तो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो बहुत सारा ग्रुप लेयर देखने को मिल जाएगा, मतलब टोटल 5 ग्रुप लेयर देखने को मिल जाएगा, और एक PNG फोटो लेयर, और यहाँ पर जो लिरिक्स है सॉन्ग लिरिक्स वो मैं प्ले सेट करके रखा हूँ देख सकते हो। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो जो लेयर है वो डिलीट हो जाएगा और नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो ये जो फोन है ये बांग्ला फोन को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करना होगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये जो फोन है ये फोन को डाउनलोड कर लेना, और एडमिशन में इम्पोर्ट कर लेना ये लेयर में, देखो ये लेयर में। तो दोस्तों ये लेयर में फ़ोन को ऐड करने के बाद एकदम फास्ट में आना होगा। फास्ट में आने के बाद एक फ़ोटो को ऐड करना होगा, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों जो फोटो है ये फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देखो एक फ़ोटो को ऐड कर लेना, फोटो ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, रोटेट ऑप्शन में आके इसको रोटेट कर लेना देखो 90 डिग्री, और ये जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और ऐसा करके फोटो को जूम करके बड़ा कर लेना। और बड़ा करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आना होगा। लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये फोटो में इफेक्ट देना होगा। तो ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, ऐड इफेक्ट को टच करना होगा, और यहाँ पर जो ब्लूआर जो इफेक्ट है मतलब ऑप्शन है ये ऑप्शन को टच करना, और ये जो गोसिंग ब्लूआर जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को ऐड कर लेना। तो ये इफेक्ट को टच कर देना और स्टैंडर्ड सेटिंग को टच कर देना, तो जो इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो इसका जो साइज है आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। देखो तो मैं देखो 800 कर लिया हूँ, तो एक बार बैक हो जाना और ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा, और सभी लेयर के नीचे ये फोटो लेयर को रखना होगा, ऐसा करके एकदम नीचे आ जाना, और जो सॉन्ग है उसके ऊपर रखना होगा। तो कुछ इस तरह आपको नीचे फोटो ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो यहाँ पर जो 5 ग्रुप लेयर है इसको मैं अभी बंद करके रख रहा हूँ, तो इसको खोल देना। तो आई में जो क्रॉस लगा हुआ है देखो साइड में, तो इसके ऊपर ऐसे टच कर देना, तो ये जो ग्रुप है वो यहाँ पर खोल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो 5 ग्रुप है ये 5 ग्रुप में 5 फोटो अलग अलग फ़ोटो ऐड करना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में जो ग्रुप लेयर है ये ग्रुप लेयर को टच करना होगा, एडिट ग्रुप में आना होगा, और एकदम फर्स्ट बिट में आना होगा। फर्स्ट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और एक फ़ोटो को ऐड करना होगा। तो अपने पसंद की एक फ़ोटो को ऐड कर लेना ये ग्रुप में। फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो सबसे पहले ये फ़ोटो को नीचे कर लेना, और ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, एकदम लास्ट बिट में आना होगा, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना।
तो फिर से मूव वाला ऑप्शन में आ जाना और ऐसा करके देखो फोटो को रख लेना। रखने के बाद दोस्तों जो रोटेट ऑप्शन है पर टच करना और ऐसा करके 90 डिग्री रोटेट कर लेना। और ये जो जूम ऑप्शन है ऐसा करके जूम करके बड़ा कर लेना और ठीक से फिर से सेट कर लेना ये फोटो को। ठीक से सेट करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो जो शेप लेयर है ये शेप लेयर को टच करना होगा। इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट करना होगा। कॉपी इफेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो फोटो है ये फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो फिर से ये ग्रुप से बैक हो जाना और ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एकदम फिर से फास्ट में आ जाना और यहाँ पर देखो फिर से और एक ग्रुप प्लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और एकदम फास्ट में आ जाना। फास्ट में आने के बाद फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट बिट में आना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना और ऐसा करके देखो जो रोटेट ऑप्शन यहाँ पर टच करना, रोटेट ऑप्शन से ऐसा करके इसको रोटेट कर लेना और इसको भी ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा और ये जो ग्रुप सॉरी जो शेप लेयर है उसके नीचे रखना होगा। उसके बाद फिर से ये फोटो लेयर को टच करना, मूव ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर इसको सेट कर लेना देखो इधर। तो ठीक से सेट कर लेना, मूव वाला ऑप्शन में आ जाना सॉरी जूम वाला ऑप्शन में और ऐसा करके जूम कर लेना। तो अपने हिसाब से फ़ोटो को एडिट कर लेना और एक बार बैक हो जाना और देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और ये जो फोटो है ये फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह। तो अब क्या करना, फिर से बैक हो जाना और यहाँ पर फिर से और एक ग्रुप प्लेयर को टच करना। ग्रुप प्लेयर को टच करने के बाद दोस्तों एडिट ग्रुप में आ जाना, एडिट ग्रुप में आने के बाद फिर से ये ग्रुप में अलग इफेक्ट सॉरी अलग फोटो ऐड कर लेना। तो उसके लिए क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर एक अलग फोटो ऐड कर लेना। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो मूव वाला ऑप्शन में आ जाना, रोटेट ऑप्शन में आने के बाद इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा और ये जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना और ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, मूव ऑप्शन में आना होगा और ये जो बॉक्स है यहाँ पर रेक्टेंगल है उधर ये फोटो को ठीक से सेट कर लेना। सेट करने के बाद दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है ये लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और ये जो फोटो है ये फोटो में पेस्ट कर देना ये इफेक्ट को। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो और दो ग्रुप लेयर है ये दो ग्रुप लेयर में फोटो को ऐड कर लेना और इसके अंदर जो शेप रहेगा उसी में इफेक्ट है। तो जैसे मैं देखाया उसे करके आप लोग इफेक्ट को दे देना और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों फिर से फास्ट में आ जाना। फास्ट में आने के बाद फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना और ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद मूव ऑप्शन में आना होगा, रोटेट ऑप्शन में आने के बाद इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेना और जो फास्ट में जो ऑप्शन है पर टच करना होगा और इधर ले आना ये फोटो को पीएनजी फोटो को और ये जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करके अपने हिसाब से ये फोटो को जूम कर लेना, मतलब बड़ा कर लेना जितना बड़ा आप रखना चाहते हो। तो ठीक से ये फोटो को ऐसा करके एडिट कर लेना और एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में आना होगा। लास्ट में आने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना और ये जो बॉर्डर एंड शेडो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा और नीचे जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, ऐड बॉर्डर ऑप्शन को टच करना है और ये जो साइज है देखो साइज सॉरी दोस्तों देखो यहाँ पर जो आउटसाइड जो ऑप्शन है ये ऑप्शन को टच करना होगा। तो इनसाइड में जो साइज है इसको जीरो कर देना और ये जो आउटसाइड जो ऑप्शन है वहाँ पर टच करना होगा और इसका जो साइज है वो 10 कर लेना। 10 करने के बाद दोस्तों नीचे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन को टच करना होगा और शेडो को ऑन कर लेना। शेडो को ऑन करने के बाद दोस्तों अब क्या करना, बैक हो जाना और ऐसा करके साइड में दबा कर रखना होगा और एकदम नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो पीएनजी फोटो है उसके नीचे रखना होगा ये पीएनजी फोटो को, देखो। तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो ये जो पीएनजी फोटो है ये वाला, तो ये पीएनजी फोटो लेयर को टच करना होगा, बॉर्डर ऑप्शन में आना होगा और नीचे जो शेडो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और ये जो शेडो है इसको ऑन कर लेना। तो कुछ इस तरह देखो ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो में भी शेडो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देखो ये जो फोटो है
मतलब ये ग्रुप लेयर में जो फ़ोटो ऐड किया है इसमें फिर से अलग इफेक्ट और भी देना होगा, तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना और ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिर को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो फाइव ग्रुप लेयर है फाइव ग्रुप लेयर में ये जो इफेक्ट है वो पेस्ट करना होगा फिर से, तो ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और जो फोटो है ये फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना, तो फिर से बैक हो जाना और फिर से जो ग्रुप लेयर है नीचे ये ग्रुप लेयर को टच करना होगा, एडिट ग्रुप में आना होगा और जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके जो फाइव ग्रुप लेयर में जो फोटो ऐड करोगे तो ये फाइव फोटो में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना और ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना हो और थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, तो इसमें भी ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना, देखो ये जो हमारा जो लिरिक्स लेयर है तो इसमें अब इफेक्ट देना होगा, तो इसमें इफेक्ट देने के लिए क्या करना होगा, देखो एक बार बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना और यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा, तो ये लिरिक्स लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, तो कुछ इस तरह आपको लिरिक्स में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसा करके जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।